हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लवली गेट फ्रेश। एंड जैसा कि समर आ चुका है तो समर से रिलेटेड होममेड एक प्रोडक्ट शेयर करूंगी जिससे आपके फेस पर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, आपके जो आई के नीचे पफनेस है, आपके स्किन पे एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है, समर में टैनिंग सनबर्न की प्रॉब्लम है, यह सारी प्रॉब्लम मेरी चुटकी बजाती है, आपके स्किन से बिल्कुल ही क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी। और स्वास्थ्य की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी होम मेड क्यूक्यूम्बर आइस क्यूब विद मोदी केयर T3 ऑयल। क्यूक्यूम्बर यानी कि खीरे का बेनिफिट्स हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए हम सबको पता होता है एंड T3 ऑयल के जो बेनिफिट्स हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो गो एंड चेक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस आइस क्यूब को बनाने के लिए एक क्यूक्यूम्बर लेना है यानी कि खीरा, उसे धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए एंड फिर उसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर उसका फाइन पेस्ट तैयार कर लीजिए एंड छन्नी की हेल्प से उसके जूस को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए एंड फिर उसमें 2 to 3 टेबल स्पून प्योरीफाइड वाटर इस जूस में ऐड कर लीजिए एंड T3 ऑयल की 2 to 3 ड्रॉप इसमें ऐड करना है। उसे मिक्स कर लीजिए एंड देन एक आइस ट्रे लीजिए, इस लिक्विड को इस आइस ट्रे में अच्छी तरह से फिल कर लीजिए एंड देन इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दीजिए एंड इसे फ्रीज हो जाने दीजिए। ताकि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या फिर आइस क्यूब्स आपके स्किन को सूट नहीं करता है, देन आप यूज कर सकते हैं क्यूकुम्बर एंड T3 ऑयल का या टोनर, जो कि सेम इसी तरह से बना है, बस ये टोनर है एंड आज की वीडियो मैंने आपके साथ आइस क्यूब शेयर किया है। तो इसका वीडियो ऑलरेडी मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसे यूज करना भी आसान है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है एंड साथ ही आइस क्यूब की तरह ही आपके फेस को बहुत ही ज्यादा ठंडक भी नहीं देने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसे यूज कैसे करना है, इसे अपने स्किन पर अप्लाई कैसे करना है। आइस ट्रे को फ्रीजर से बाहर निकाल लीजिए एंड एक आइस क्यूब के टुकड़े को लेकर अपने पूरे फेस पर सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से रब कीजिए एंड खासकर अपने आँखों के नीचे जहाँ पर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है। इसे अप्लाई करने के बाद आपके आँखों के नीचे जो पफनेस या स्वेलन होगी वो दूर हो जाएगी एंड फिर इसे हल्के फिंगर हेल्प की हेल्प से इसे ऑब्जर्व हो जाने दीजिए अपने स्किन में। एंड अगर बात करें कि क्यूकुम्बर आइस क्यूब हमारे स्किन पर कैसे वर्क करता है, क्या बेनिफिट्स देता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइस क्यूब जो आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं ना, जो रोम छिद्र होते हैं ना, वो बहुत सारे लोगों के लार्ज होते हैं, तो उसे यह बिल्कुल ही मिनिमाइज कर देता है, ब्लॉक कर देता है ना, जिसकी वजह से आपके स्किन पे जो एक्सेस ऑयल जो प्रोड्यूस होती है ना, वो बहुत ही लेस अमाउंट में होती है। तो साथ ही जो नेक्स्ट बेनिफिट है, यह आपके स्किन को एक्ने पिंपल से भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि जो एक्सेस ऑयल होती है जो नेचुरली हमारे स्किन के अंदर से निकलती है, वो बहुत ही लेस अमाउंट में आपके स्किन पे आती है, जिससे एक्ने एंड पिंपल्स का आना आपके स्किन पर बहुत हद तक कम हो जाता है। ओपन पोर्स मिनिमाइज होने की वजह से आपके जो फेस के जो स्किन होती है वो टाइट हो जाती है, आपके स्किन पे झुर्रियां या फाइन लाइंस आ चुकी है या आने वाली है, तो उसे भी ये ट्रीट करता है, हील करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेकअप करने से पहले जब आप अपना स्किन केयर फॉलो करते हो तो इस आइस क्यूब को लेकर अपने पूरे फेस पर रब कर लो, खासकर टी जोन वाली एरिया जहाँ पर आपकी स्किन स्वेट करती है, इससे यह आपके मेकअप को इस समर सीजन में लॉन्ग टाइम तक टिका कर रखेगा, आपकी मेकअप जल्दी मेल्ट नहीं होगी। क्यूक्यूम्बर आइस क्यूब आपके डार्क सर्कल को बिल्कुल ही रिमूव कर देता है एंड अगर आपके आंखों के नीचे पफनेस है, स्वेलन है, तो उसे भी यह रिमूव कर देगा। एक आइस क्यूब लेकर डेली रात में सोने से पहले आप अपने आई के अराउंड उसे हल्के हाथों से आपको आइस क्यूब अप्लाई करना है। आइस क्यूब आपके स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से आपके फेस पर एक ग्लो ऐड हो जाता है। आइस क्यूब्स अगर आपके स्किन पे कट एंड बर्न है तो उसे सूद एंड रिलैक्स करता है एंड आइस क्यूब समर में आपके स्किन से टैन एंड ब्लेमिशेस को रिमूव करता है एंड साथ ही आपके स्किन को काम एंड फ्रेश करता है। एंड ऑलरेडी मैं आप सभी के साथ और भी और आइस क्यूब्स का वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, सो आप चाहें तो उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही था, आई होप सो आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए एंड खुश रहिए।